हेलो बेटू बेटू, आज अपन काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 5 में केवल और केवल अपन ने रेफरेंस फ्रेम की बात करी। आज अपन कुछ मिक्सर कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन थे अपन ने छोड़ चुके थे कि रेफरेंस फ्रेम पढ़ाएंगे, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे उसको। तो अब अपन वो क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, ठीक है बेटू? तो क्वेश्चंस क्या है अपने पास? क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है कि एक पहिया है आपके पास, ये एक पहिया है और ये ऐसे गति कर रहा है, ठीक है? रोटेशनल भी मतलब घूर्णन गति कर रहा है, मतलब ये वृत्ताकार गति कर रहा है और साथ में ये ट्रांसलेशन भी गति कर रहा है, ठीक है? रोटेशनल, तो इसे अपन बोलेंगे रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होती है? सर्कुलर मोशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन, वो मिलके क्या बनती है? रोटेशनल मोशन, ठीक है? और इसका जो द्रव्यमान केंद्र है वो कितने से आ रहा है? वी वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है द्रव्यमान केंद्र। अरे गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, ठीक है बेटू, समझ आया? क्वेश्चन क्या बोला गया है कि पहिए पर स्थित किसी बिंदु द्वारा तय की गई पहिए पर स्थित किसी बिंदु द्वारा एक चक्कर पूर्ण करने में तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपका, ठीक है बेटू? तो ये क्वेश्चन क्या है? पहिए पर स्थित किसी भी बिंदु द्वारा एक चक्कर पूर्ण करने में तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करो। बस बेटो, अपन को याद क्या रखना है कि जो पहिया है ना, ये सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा, ये पहिया है जो ट्रांसलेशन मोशन नहीं कर रहा, ये पहिया रोटेशनल मोशन कर रहा है, यानी गोल गोल घूम भी रहा है और सीधा भी चल रहा है, ये अपन को याद रखना है बस, ठीक है? अब उस क्वेश्चन को अपन करेंगे। तो क्वेश्चन को करने के लिए पहली चीज आपको क्या याद रखनी है बच्चों, कि ये सरफेस कैसा है? सरफेस स्थिर है, सरफेस तो स्थिर है, रुका हुआ है, सरफेस तो स्थिर है, ठीक है? तो अब अपन एक चीज जानते हैं, रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट है बच्चों। ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये रोटेशनल मोशन का, ठीक है बेटू? क्या कॉन्सेप्ट है रोटेशनल मोशन का? कि जब एक पहिया जिसका सेंटर यानी COM, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र, वी वेलोसिटी से जा रहा हो और वो पहिया जा रहा हो, ठीक है, वी वेलोसिटी से, और साथ में वो घूम भी रहा हो, लेकिन जो घूमते हुए जो घूम रहा है ना, घूमने तो घूमने का जो वेग होगा यानी एंगुलर जो वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा बराबर क्या होगा? ओमेगा बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों V/R। ओमेगा बराबर क्या होगा? V/R। तो उसमें जो V काम में आ रहा है ना, ये V जो V काम में आ रहा है, वो V कौन सा होगा? वो V द्रव्यमान केंद्र का ही वेग होगा V, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? ये COM का ही होगा, लेकिन शर्त क्या है? सरफेस कांस्टेंट होनी चाहिए, सरफेस एट रेस्ट, ठीक है बेटू? तो ये कॉन्सेप्ट अपन को याद रखना है। कौन सा कॉन्सेप्ट? सबसे पहले तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा बराबर वी बाई आर, और इसमें जो वी होता है वो सेंटर ऑफ मास का होगा, कब? जब सरफेस एट रेस्ट में हो। तो इस वाले क्वेश्चन में सरफेस स्थिर ही है, ठीक है, और इसका सेंटर ऑफ मास का वेग कितना है? वी, ट्रांसलेशन ऐसे कर रहा है, तो इसका सर्कुलर जो मोशन होगा वो क्या जाएगा? ओमेगा बराबर V/R, ठीक है बेटू? आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटू? चलो अब इसमें एक चीज और क्या रखना है अपन को, फिर बच्चों देखो, अपन जानते हैं दूरी बराबर वेग बटे समय, ऐसे ही एंगुलर की जब मैं बात करूंगा तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू, वो क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटे वेग बराबर, सॉरी दूरी बराबर नहीं, वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक, सॉरी विस्थापन बटे समय। तो ऐसे ही एंगुलर वेग बराबर क्या होगा? कोणीय वेग बराबर क्या होगा? कोणीय विस्थापन बटे समय। अब यहां से यदि मुझे थीटा निकालना है तो कितना हो जाएगा? ओमेगा टी। तो एक कॉन्सेप्ट ये और एक कॉन्सेप्ट ये जब अपन याद रखेंगे
तो ये वाला क्वेश्चन धड़ल्ले से अपना होने लगेगा। ठीक है बेटू, तो ये तो अपने बेसिक से कॉन्सेप्ट था जो अपन ने समझाया। अब इस क्वेश्चन को करते हैं अपन, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी। तो देखो, तो पहिए पर कोई बिंदु ले लो, और वो बिंदु जब पूर्ण चक्कर लगा लेगा तो क्या होगा। तो देखो बच्चों, तो बेटू देखो, ये जो पहिया था अपना पहले ऐसा था, फिर कुछ समय बाद यहाँ आया, घूम भी रहा है और चल भी रहा है, फिर कुछ समय बाद यहाँ आया। पहिए की पहिया 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 बेटू बेटी का घर। देखो तो बच्चों, अब अपन क्या करेंगे कि ये जो पहिया था, ये पहिया कुछ समय बाद यहाँ आ गया। अब देखो इसका जो पॉइंट, ये जो पॉइंट है, कोई बिंदु ले लो। तो मैंने ये वाला बिंदु ले लिया, यहां से बिंदु ए, ये बिंदु भी कुछ समय बाद यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये बिंदु भी कुछ समय बाद यहाँ आ जाएगा, फिर ये बिंदु कुछ समय बाद यहाँ आ जाएगा, और फिर ये बिंदु कुछ समय बाद यहाँ आ जाएगा। तो अब देखो, पहिए पर स्थित किसी बिंदु द्वारा एक चक्कर पूर्ण करने में तय की गई दूरी भी और तय किए गए विस्थापन भी। जब बच्चों ये वाला पहिया का बिंदु ए जब पूरा चक्कर लगा लेगा तो यहाँ आ गया, तो विस्थापन जो होगा, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, ये वाली दूरी, यानी ये कितनी दूरी है वो तो जाएगा विस्थापन, लेकिन दूरी क्या होगी। अब दूरी में देखो बच्चों, पहिए पहले ए यहाँ पे था, फिर ये बिंदु ए यहाँ आया, तो ये विषुंत, ठीक है, यहाँ आ गया ना, तो इतनी दूरी तय कर ली। फिर ये पहिया यहाँ आया, बिंदु ए यहाँ आ गया, तो इस बिंदु की ये यहाँ आ गया, फिर ये बिंदु यहाँ आया तो ये यहाँ आ गया, फिर ये बिंदु यहाँ आया तो ये यहाँ आ गया। तो दूरी जो होगी, दूरी वो दूरी क्या होगी, इस बिंदु की ये वाली दूरी, ये जो येलो वाली दूरी ना, ये कहलाएगी दूरी, और ये जो है ये कहलाएगा विस्थापन। ठीक है बेटू, समझ में आया। और इस टाइप की जो पाथ है, इसे अपन बोलेंगे साइक्लोइड। क्या बोलेंगे बेटू इसको अपन, साइक्लोइड पाथ। क्या बोलेंगे, साइक्लोइड पाथ। ठीक है बेटू, समझ में आया। ओके चलो, अब मुझे क्या निकालना, पहले विस्थापन निकाल लो, फिर उसके बाद दूरी निकाल लो, जो भी आपकी इच्छा हो वो निकालो। तो देखो अपन क्या करेंगे, अपन जानते हैं कि एक पूर्ण चक्कर करने में लगा समय कितना होता है, टी आवर्तकाल। पूर्ण चक्कर, ठीक है, तो पूर्ण चक्कर में, एक पूर्ण चक्कर में, एक पूर्ण चक्कर में लगा समय, लगा समय टी होता है, क्या होता है, टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, ठीक है, कोई दिक्कत है, कैपिटल टी, ओके। एक पूर्ण चक्कर में लगा समय कैपिटल टी, आवर्त काल के बराबर होता है ना, किसके बराबर होता है, आवर्त काल के, ठीक है, कोई दिक्कत है यार। चलो फिर उसके बाद अपन को विस्थापन दो, तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, v, कितनी वेलोसिटी जा रही है, v, और समय कितना लगा रहा है, t, यहां से यहां तक पहुंचने में समय कितना लगा रहा है, t, वेलोसिटी कितनी है, रे की वेलोसिटी v, तो दूरी कितनी जाएगी, मतलब ये विस्थापन कितना जाएगा, तो विस्थापन यानी दूरी वही बात होती है, तो वेग इंटू समय, तो वेग है v इंटू समय है t, दिस इज योर आंसर, किसका, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का बेटू आंसर ये आ गया। समझ आया बेटू, कोई दिक्कत है क्या। चलो अब अपन निकालें दूरी, तो दूरी तो ये, ओ ओ, अब दूरी का सूत्र क्या होता है, तो ये वाली दूरी निकालने के लिए सबसे दिक्कत क्या आएगी अपन को, पहले चीज अपन को रेफरेंस फ्रेम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। किसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, रेफरेंस फ्रेम के बारे में, कैसे, देखो तो अपन क्या करते हैं, कुछ देर के लिए सेंटर ऑफ मास पे ही चीटा बन के बैठ जाते हैं। सेंटर ऑफ मास पे क्या बन के बैठ जाते हैं, चीटा बन के बैठ जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है। और जब अपन सेंटर ऑफ मास पे जहां पे चीटा बन के बैठ गए, तो वो तो अपन को क्या दिखेगा, रेस्ट, वो तो क्या दिखेगा अपन को, रेस्ट में दिखेगा। देखो बच्चों, मैंने रेफरेंस फ्रेम में आपको ये बताया ना कि जिसके सापेक्ष अपन बात करते हैं, जिसके सापेक्ष अपन बात करते हैं, यानी मैं इस चीटे के सापेक्ष बात करूं, जो सेंटर ऑफ मास पे बैठा है, तो अब उसको ये नहीं लगेगा कि मैं वी वेलोसिटी से ज्यादा हूं, ऐसे नहीं लगेगा उसको, क्या उसको क्या लगेगा कि पूरी जनता वी वेलोसिटी से पीछे जा रही है, पूरी जनता वी वेलोसिटी से पीछे जा रही है, और सुनो, और जो मेरे इसमें बैठा है ना, जो पॉइंट, मान लो कोई व्यक्ति जो यहां बैठा है, बिंदु ए जो यहां बैठा है,
वो बिंदु ए को क्या, इसको क्या लगेगा कि बिंदु ए घूम भी रहा है और पीछे भी जा रहा है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ। ओहो, नहीं समझ में आया। वापिस हो, इस चींटी को क्या लगेगा, इस चींटी को लगेगा कि ये बिंदु ए क्या कर रहा है, घूम रहा है, केवल क्या कर रहा है, घूम रहा है, पीछे नहीं जाएगा, केवल क्या कर रहा है, घूम रहा है, क्योंकि ये तो रेस्ट में हो गया। तो ये तो रेस्ट में गया, तो पहिया तो यूं घूमेगा ना, डू 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 डू, और मैं बैठ गया चारों से, मैं देख रहा हूँ, ओ, तो ए घूम रहा है ना, और सारी जो और अगल बगल की जो दुनिया है वो वी सिटी से पीछे जा रही है। समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? चलो तो इसको अपन करते हैं। अब देखो मैंने क्या करा, मैंने देखा कुछ समय का देख रहा हूँ मैं, कुछ समय का है ना। तो जब बिंदु ए यहाँ पे था तो कुछ समय बाद ये यहाँ आ गया, ठीक है। तो इसने कितना एंगल, मान लो टी समय बाद ये यहाँ आ गया, कितने समय बाद, टी समय बाद। जब चीते के हिसाब से बात करो, चीता क्या कर रहा है, तो चीते ने देखा कि बिंदु ए टी समय में यहाँ आ गया, और ये जो एंगल बनाया, ये एंगल बनाया इसने ओमेगा टी, कितना एंगल बनाया, ओमेगा टी। अभी बताया मैंने चीता बराबर ओमेगा टी होता है, ओमेगा क्या है इसकी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और चीते के सापे जो इसका वेग होगा वो कितना होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, चीते के सापे ये वेग होगा, और ये वेग कितना हो जाएगा, ये वेग बोलो कितना हो जाएगा, ओमेगा बराबर वी आर, तो ये हो जाएगा अपने पास वी, ठीक है। अरे एंगुलर वेलोसिटी वी, ये तो होगा ना, केवल वी तो होगा ना, क्योंकि इसमें मैं जब एंगुलर लूंगा तो ओमेगा बराबर वी अपॉन आर, तो जब सरफेस कैसा है रेस्ट में, तो मुझे कौन सा वी लेना है, सेंटर ऑफ मास वाला वी। तो ये कितने से चीटों को क्या लगेगा कि ए ए कितने बी वेलोसिटी से ऐसे जा रहा। नहीं समझ में आया? वो दिक्कत है तो बोलो, ये वेलोसिटी कौन सी है, ये जो वेलोसिटी है वो है ए की चीटे के सापेक्ष, ए की चीटे के सापेक्ष कितनी वेलोसिटी है, वी वेलोसिटी। चलो भाई चलो, ओहो मजे आ गए, चलो चलो। अब देखो, अब मुझे रेफरेंस फ्रेम की बात हो गई, तो देखो जो अपन क्या लिखेंगे, तो अपन ये लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू चीटा इजिकल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ चीटा, वेलोसिटी ऑफ चीटा किसके सापेक्ष, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ले लो, ग्राउंड ग्राउंड, ठीक है। अब मुझे निकालनी क्या है, मुझे तो वेलोसिटी ऑफ ए निकालनी है, इस पॉइंट ए की एग्जैक्ट वेलोसिटी कितनी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी है ना, तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी है, यानी ये ए की वेलोसिटी, ये वेलोसिटी आ गई, तो कितनी जाएगी वेलोसिटी ऑफ ए, तो वेक्टर से जोड़ना है अपन को, वेक्टर करना है, तो कितनी जाएगी वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू थीटा, और माइनस हो जाएगा तो प्लस, वेलोसिटी ऑफ थीटा विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? चलो अब देखो अपन क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू चीटा तो ये आ गया, और वेलोसिटी ऑफ चीटा विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितना आया, यहाँ आएगा ऐसे। समझ में आया नहीं आया? तो अब इसका क्या बन जाएगा अपने पास, तो इसका जो रेफरेंस फ्रेम से जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, तो बच्चों अब तो बेटू अब देखो अपन इसको क्या करेंगे, तो इसको वेक्टर ही अपन जोड़ेंगे, तो ये तो था अपने पास यहाँ पे इनिशियल पोजीशन एक ही, फिर वो यहां से चला यहां आ गया, ठीक है, और यहां एंगल कितना लिया इसने, ओमेगा टी, और इस पे वेलोसिटी जो ये आई, ये किसकी आई, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू चीटा, तो चीटे की वेलोसिटी आई ये दिशा है ना, और ये एंगल कितना है 90, बराबर कितनी आई वी, वी क्यों आई समझ आया ना, क्योंकि ये सरफेस कैसा है इसका रेस्ट में, और ये एंगल 90, ये 90 होता है ना, ये एंगल 90, ठीक है बेटू समझ में आया। और फिर अपन किसको जोड़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ चीटा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ चीटा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी, ये वेलोसिटी ऑफ चीटा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, तो वो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए नेट, तो नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन ये जाएगी, तो जो ए की जो नेट वेलोसिटी होगी वो ये होगी, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे दूरी निकालनी है, तो दूरी का जो सूत्र होता है, दूरी बराबर इंटीग्रेशन वी का मोड, ठीक है। तो यहां पे वी कौन सी होती है, जो नेट होती है, तो नेट वी ये वाली निकालेंगे।
तो यहाँ पे वी ए नेट इंटू डी टी, बस ये आंसर हो जाएगा। तो अब मुझे क्या निकालना है, वी ए नेट का रिजल्टेंट निकालना है, मोड का मतलब मापांक का मतलब रिजल्टेंट निकालना है। तो वी ए नेट का जब मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो कैसे होता है, रूट ये वैल्यू की वी और ये वैल्यू वी, तो क्या जाएगा वी स्क्वायर प्लस टू वी वन वी टू, तो वी वन वी टू वी वी है तो टू वी स्क्वायर कोस दोनों वी के मध्य का एंगल, दोनों वी के मध्य का एंगल निकालते हैं। तो देखो बच्चों ये एंगल 90 है और ये एंगल कितना हुआ जुशुम ओमेगा टी, ये ओमेगा टी है ये 90 है तो ये 90 माइनस ओमेगा टी। तो अब इसके बीच में टोटल एंगल कितना हो गया, तो 90 और 90 माइनस ओमेगा टी तो 180 माइनस ओमेगा टी, 90 प्लस 90 माइनस ओमेगा टी तो 180 माइनस ओमेगा टी, तो कितना जाएगा ये एंगल 180 माइनस ओमेगा। नहीं समझ में आया बेटू, कोई दिक्कत है तो बोलो। तो वी रिजल्टेंट समझ में आ गया ना, बस अब अपना आंसर आ जाएगा। तो बोलो बच्चों वी स्क्वायर टू वी स्क्वायर बाहर जाएगा तो कितना जाएगा, टू वी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस कोस 180 माइनस थीटा, तो कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटू माइनस के कोस थीटा, तो कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है को माइनस के कोस थीटा, ठीक है बेटू कोई दिक्कत है क्या। 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 2 कितना जाएगा 4, तो 4 वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 थीटा बाई 2, तो ये जाएगा हाफ एंगल का फॉर्मूला लग जाएगा ना 1 माइनस कोस थीटा। तो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये रिजल्टेंट यही ना, ठीक है मुझे तो रिजल्टेंट निकालना है तो यही, तो रूट से बढ़ जाएगा कितना जाएगा 2 वी साइन ओमेगा टी बटे, तो ये अपने पास आंसर आएगा, ठीक है कोई दिक्कत है क्या। तो वी रिजल्टेंट कितना है 2 वी साइन ओमेगा टी बाई 2 इंटू डी टी। अब मुझे ये करना है, ठीक है मुझे क्या करना है इसको तो आंसर को लाना है। चलो तो चलो अब वी की वैल्यू ये रखेंगे 2 वी साइन ओमेगा टी, तो अब देखते हैं क्या आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत अच्छा आपके काइनेमेटिक्स को इतना निचोड़ के रख देगा बेटू मजे आएंगे, ठीक है। तो देखो दूरी बराबर, अब दूरी बराबर इंटीग्रेशन, तो पहले क्या रखेंगे 2 वी साइन ओमेगा टी बटे 2 इंटू डी टी। अब मुझे डी टी के सापेक्ष करना है जो समाकलन की वैल्यू रखनी है, तो देखो अपने को पूरा चक्कर लगाना है ये वेलोसिटी पूरी समय, तो जीरो से टी तो यहां तो मैं रखूंगा जीरो, ठीक है और टी तो टी बराबर क्या होता है, टी बराबर होता है समय बराबर क्या होगा, समय बराबर होगा विस्थापन, तो टोटल विस्थापन कितना था 2 पाई विस्थापन बटे समय, सॉरी विस्थापन बटे कोणीय वेग, और कोणीय वेग कितना है ओमेगा, तो टी बराबर क्या वैल्यू रखेंगे अपन 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये वैल्यू रखेंगे टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो जीरो पे तो जीरो और टोटल समय टी पे तो कितनी वैल्यू रखेंगे 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो इसका अपन समाधान करेंगे, तो देखो 2v तो बढ़ जाएगा, साइन थीटा का समाकलन कितना होता है माइनस के कोस थीटा, माइनस के कोस थीटा। अब समाकलन अपन ने किया किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, तो ओमेगा बाई 2 क्या है कांस्टेंट, तो ओमेगा बाई 2 कांस्टेंट है तो इसका ओमेगा बाई 2 का भाग लगाना पड़ेगा, तो ओमेगा बाई 2 का जब भाग लगाऊंगा तो कितना जाएगा ये 2 अपॉन ओमेगा, ठीक है बेटू समझ में आया। चलो अब वैल्यू पुट करेंगे अपन, तो लिमिट पुट करेंगे तो 0 से लेके 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये वैल्यू पुट कर दी। तो अब देखो इसको तो बाहर निकाल लेंगे, ठीक है और माइनस से लिमिट चेंज कर देंगे तो कितना जाएगा ये 4 वी अपॉन ओमेगा, 4 वी अपॉन ओमेगा दिया जाएगा, और माइनस से लिमिट चेंज कर दी तो कितना जाएगा ये कोस ओमेगा टी बाई 2 और 2 पाई बाई ओमेगा यहाँ जाएगा 0 यहाँ जाएगा, माइनस खत्म लिमिट चेंज, अब कितना जाएगा 4 बी अपॉन ओमेगा, वैल्यू पुट कर देंगे कोस 0 की टी की जगह 0 तो पूरा 0 कोस 0 के लूपन माइनस, अब ये 2 पाई बाई ओमेगा पुट करेंगे तो कोस टी की जगह 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा टी की जगह 2 पाई अपॉन ओमेगा पुट कर दिया इंटू, तो ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा कोस पाई, कोस पाई के लू माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस 1 तो 2,
कितना जाएगा ये 8v/ओमेगा। अब बच्चों अभी मैंने बोला था ओमेगा बराबर कितना होता है वी अपॉन आर, ओमेगा बराबर कितना है वी अपॉन आर, तो आर बराबर कितना जाएगा वी अपॉन ओमेगा, तो आर बराबर कितना जाएगा वी अपॉन ओमेगा, तो वी अपॉन ओमेगा बराबर आर, तो आंसर कितना जाएगा 8r, जहां आर क्या है उस पहिए की त्रिज्या। तो विस्थापन तो आया वी टी, विस्थापन तो क्या कितना आया था वी टी, विस्थापन तो ये आया था वी टी, और दूरी कितनी आ गई 8r, दूरी कितनी आ गई 8r। ठीक है बेटू, समझ में आया? तो बेटू आपको यदि नहीं समझ में आया तो आप एक बार और इसको रिवाइज करना, फिर आप वापिस से आपको देखना है, रेफरेंस फ्रेम का अपने इसमें इस्तेमाल किया है और थोड़ा सा रोटेशनल मोशन का हल्का सा मोशन है, तो काइनेमेटिक्स है, तो ये क्या है पूरी काइनेमेटिक्स। ठीक है बेटू, ओके डन। चलो अब बेटू अपन बात करेंगे एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन क्या होता है उसको भी अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलो एक्सेलरेशन को बेटू अपन बोलते हैं हिंदी में त्वरण, क्या बोलते हैं हिंदी में त्वरण, और त्वरण क्या काम करता है वस्तु की गति को बढ़ाने या घटाने के लिए क्या होता है रिस्पॉन्सिबल होता है कौन त्वरण। तो अब ये स्टेटमेंट अपन 100% ट्रू नहीं बोलेंगे, ऐसा मैं कभी नहीं बोलूंगा कि त्वरण जो होता है हमेशा, मैं कभी ऐसा नहीं बोलूंगा आपको कि जब वस्तु पे त्वरण लगेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वस्तु की गति को बढ़ाने या घटाने के लिए जिम्मेदार होगा, ऐसा मैं कभी नहीं बोलूंगा ये स्टेटमेंट। ठीक है, क्यों नहीं बोलूंगा बेटू, तो देखो अभी मैं आपको समझा देता हूँ, पूरा रिसर्च करके एक्सेलरेशन के बारे में कर दूंगा। ठीक है, पूरी फील्ड मस्त देखो। तो बेटू अब अपन बात करेंगे एक्सेलरेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं अपन त्वरण, और ये राशि कैसी होती है सदिश राशि होती है, और इसका मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, सदिश को मतलब त्वरण को बोलते क्या है वेग में परिवर्तन की दर, इसे अपन क्या बोलेंगे बेसिक सी भाषा में बात करेंगे तो वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है त्वरण। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, किसी बच्चे को कैसी भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जब वेग में परिवर्तन की दर होगी तो मैं देखो बच्चों क्या लिखूंगा बेटू, मैं एक्सेलरेशन को लिखूंगा ए वेक्टर, इंस्टेंटेनियस की बात करूं मैं, ताक्षणिक की ना, मैं किसकी बात करूं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए वेक्टर बराबर डीवी वेक्टर अपॉन डीटी, ये लिखूंगा। तो अब मैं आपसे बोलता हूं क्या कि बच्चों ए वेक्टर की दिशा कहां होगी, मैं आपसे बोलता हूं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन, तो बच्चों क्या ए वेक्टर की दिशा, बच्चों क्या ए वेक्टर की दिशा वी वेक्टर की दिशा में होगी क्या? तो पहला क्वेश्चन अपने क्या बोला बच्चों, क्या ए वेक्टर की दिशा वी वेक्टर की दिशा में होगी? तो क्या ही बच्चे बोलेंगे हाँ, क्यों बोलेंगे? क्योंकि उन्हें मालूम है ए वेक्टर बराबर डीवी वेक्टर बाय डीटी, ऐसा, तो वेग की दिशा ए की दिशा। ठीक है, तो कई बच्चे ऐसे बोलेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ना बेटू, आपको ऐसा बोलना है। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि ए वेक्टर की दिशा जो होती है वो किसकी दिशा में होगी? ए वेक्टर की दिशा हमेशा वस्तु के वेग में परिवर्तन की दिशा में होगी, वस्तु के वेग में परिवर्तन, वेग की दिशा में नहीं, वेग के परिवर्तन की दिशा में। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है। तो बच्चों क्या ए वेक्टर की दिशा बी वेक्टर की दिशा में होगी? नहीं। ठीक है, मे नॉट बी पॉसिबल, मे बी पॉसिबल, कोई कोई चांसेस में है ऐसा पॉसिबल, लेकिन इसका आंसर क्या बोलोगे? नहीं। तो ए वेक्टर की दिशा डीवी वेक्टर की दिशा, डीवी वेक्टर यानी वेग में परिवर्तन, डीवी वेक्टर की दिशा में होती है।
ये आपका धर्म है। ए वेक्टर दिशा डी वेक्टर की दिशा में होती है। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है, समझ आया? तो जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी ये डी वी इनिशियल, यहाँ पे डी वी क्या था, वेग में परिवर्तन। तो कुछ समय अंतराल में मैं देखूंगा कि तुरंत क्या लग रहा है, तो टी बराबर जीरो पे वस्तु में वेग इस दिशा में था, और कुछ समय बाद टी समय यानी टी समय बाद ये जो वस्तु है ये वस्तु का वेग इधर हो गया वी फाइनल, तो ये वी फाइनल की दिशा, ये वी इनिशियल की, तो कुछ समय टी समय में ये यहाँ हो गया। तो अब मुझे निकालना है ए वेक्टर की दिशा कहाँ होगी, तो ए वेक्टर की दिशा डीवी वेक्टर की दिशा में, तो डीवी वेक्टर निकालना है। तो देखो बच्चों डीवी वेक्टर बराबर क्या होगा, तो डीवी वेक्टर बराबर होता है वी फाइनल वेक्टर माइनस के वी इनिशियल, ये होता है डीवी वेक्टर क्या होता है अंतिम माइनस इनिशियल। ठीक है, अब देखो वी फाइनल की वेलोसिटी कहाँ है, ये रही, तो वी फाइनल ये रहा, ये रहा वी फाइनल। ठीक है बच्चों, और वी इनिशियल की किधर है, इधर ऊपर, देखिए अपन को क्या लेना है, माइनस वेक्टर के साथ लेना है ना, तो माइनस प्लस के ऊपर है तो माइनस जब लूंगा तो वो किधर जाएगा, नीचे, तो माइनस के वी आई करूंगा तो वो कितना आएगा, यहाँ ये जाएगा माइनस के वी आई वेक्टर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है क्या? अब मुझे क्या निकालना है, रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे अपन, यहां से इतना ये करेंगे, ये इसके समांतर ऐसे कर लिया, ये जाएगा माइनस के वी इनिशियल वेक्टर। ठीक है, और ये जाएगा इसका रिजल्टेंट, तो इसका रिजल्टेंट क्या आ गया, ये रहा, तो ये जो हो गए डीवी वेक्टर की दिशा, तो डीवी वेक्टर की दिशा क्या होगी, ये, तो ए वेक्टर की दिशा भी क्या होगी, ये, समझ में नहीं आया? तो ए वेक्टर की दिशा हमेशा कहाँ होती है, ए वेक्टर की दिशा बेटू हमेशा डीवी वेक्टर की दिशा में होती है, ना कि वी वेक्टर की दिशा में। ठीक है, तो इस चीज को आपको सजा के समझना, चलो तो पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत है क्या? चलो अब मैं इसको थोड़ा सा घुमा देता हूँ, घुमाना कहां से, मैं इसको बच्चों आपको क्या लेके जाता हूँ, एक हल्का सा ट्रिक है। देखो अभी मैंने काइनेमेटिक्स को भी स्टार्ट किए ही नहीं, काइनेमेटिक्स में बेटू अपन जब स्टार्ट करते हैं तो सिंपल सा मोशन अंडर द ग्रेविटी वाले क्वेश्चंस करते हैं, पलटना करना ये क्वेश्चंस करते हैं। मैं जो अभी आपको स्टार्ट कर रहा हूँ वो पूरी मस्त वाली फील दे रहा हूँ, दूरी, डिस्प्लेसमेंट, ऑल अलग टाइप्स के क्वेश्चन, ए वेक्टर, पूरी चीज बेसिक। ठीक है, तो आज के लेक्चर में और पूरा बेसिक होगा, और अपन जो नेक्स्ट लेक्चर जो बनेगा अपना वहां से पूरी काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके बेटू, चलो तो ये समझ में आ गया, ए वेक्टर समझ में आ गया, क्या है ए वेक्टर? अच्छा औसत निकालना हो तो औसत निकालोगे डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस कैसे निकालना है? ठीक है बेटू, तो इतना तो अपन कर चुके हैं। ठीक है, चलो अब मुझे करना है क्या, एक और कॉन्सेप्ट को समझना है, एक्सेलरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, सर्कुलर मोशन में बहुत ज्यादा काम आएगा, सर्कुलर में प्रक्षेप में बहुत ज्यादा काम में आएगा। वहां पे आपको गुरुजी ये बोलेंगे कि आपको पहले पढ़ा दिया, अब पहले आपको ये बोलेंगे कि आपको वहां पढ़ाना है, समझ आया? तो पढ़ाएंगे कब, कुछ नहीं, नहीं पढ़ाएंगे, तो अब अपन पढ़ा देते हैं। देखो मैंने क्या कॉन्सेप्ट लिया, आपको मैंने लिया कि एक वस्तु का प्रारंभिक वेग गिरा यू वेक्टर इस दिशा में, और वस्तु पे त्वरण इस दिशा में है, ए वेक्टर यहां लगता है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? ये मैंने आपको बोल दिया। अब मैं क्या करूंगा बेटू, मैं क्या करूंगा, ये एंगल मैंने देख लिया थीटा, मैं इस ए वेक्टर के घटक करूंगा, ए वेक्टर के घटक करना है बी वेक्टर यू वेक्टर की दिशा में। तो जब मैं ए वेक्टर के घटक यू वेक्टर की दिशा में करूंगा, तो करने का तरीका क्या है कि ए वेक्टर के हेड से जब हम किसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे कंपोनेंट करते हैं, तो क्या करना पड़ता है, जिस वेक्टर का घटक अपन दूसरे वेक्टर में ले रहे हैं, उस वेक्टर के हेड से, उस वेक्टर के हेड से जिस वेक्टर पे हमें कंपोनेंट लेना है उसका, उस पे लंब डालेंगे, उस पे क्या डालेंगे, लंब। तो मैं क्या करूंगा बेटू, इस ए का कंपोनेंट लेना है यू में, यू का कंपोनेंट नहीं लेना है ए में, ए का कंपोनेंट लेना है यू में, तो मैं ए के हेड से यू में क्या डालूंगा, एक लंब डालूंगा, एक लंब डालूंगा। ठीक है बेटू, कोई दिक्कत? अब इसका जो घटक होगा, तो ये वाला जो है ये,
ये हो जाएगा ए वेक्टर कोस थीटा। ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है क्या? और दूसरा जो वेक्टर होगा वो कहाँ होगा? ये इसकी दिशा में, तो इसकी दिशा को मैं ऐसे कर लेता हूँ, यानी ये एंगल 90 है, तो ये एंगल भी क्या होगा 90, परपेंडिकुलर डाला ना, तो ए हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा ए वेक्टर साइन। समझ में आया नहीं है? तो मैंने अपन को यहाँ सीखा कि दो वेक्टर का घटक कैसे करते हैं एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे, तो ये है ट्रिक। तो जब आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया है, केवल केवल आपको एक वस्तु का प्रारंभिक वेग ये दे दिया और आपको त्वरण ये दे दिया और इसके बीच में एंगल थीटा दे दिया, तो मैं क्या पढ़ूंगा कि मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा कि इस ए वेक्टर के दो घटक है, एक तो यू वेक्टर की दिशा में है जिसे अपन बोलेंगे ए वेक्टर कोस थीटा, ये किसकी दिशा में? यू की दिशा में। तो ये कहां पे है? यू के अलोंग, तो यू वेक्टर के अलोंग, ठीक है, इसकी दिशा हो गई, और यू वेक्टर के अलोंग ए है ना, तो यू वेक्टर के अलोंग ए वेक्टर, ठीक है, और एक क्या जाएगा ए वेक्टर साइन थीटा, और ये ए वेक्टर साइन थीटा क्या जाएगा यू वेक्टर के परपेंडिकुलर ए वेक्टर, तो यू वेक्टर के परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन है वो ये रहेगा, ठीक है। तो यू वेक्टर के अलोंग को मैंने बोल दिया क्या पैरेलल, चलो ठीक है पैरेलल, चलो इतना है, ठीक है। तो यू वेक्टर के अलोंग और एक यू वेक्टर के परपेंडिकुलर। अब क्या क्या फंक्शन होता है? तो बच्चों जब भी आपको ऐसा कुछ मिलेगा बेटू, तो आपको क्या रखना है कि इस ए के, इस त्वरण के दो घटक होंगे, इस त्वरण के कितने घटक होंगे? दो, एक घटक तो यू की दिशा में होगा और एक घटक यू के परपेंडिकुलर होगा। अब दोनों का अलग अलग फंक्शन है, दोनों का फंक्शन क्या है? अलग अलग कार्य। भाई इस वाले केस में जब वस्तु का प्रारंभिक वेग इधर है और ए इधर है, तो इस वाले केस में वस्तु के ऊपर त्वरण के दो घटक बने, एक तो यू की दिशा में और एक यू के परपेंडिकुलर की दिशा में। अब दोनों का फंक्शन अलग अलग है, एक फंक्शन जो जो त्वरण यू की दिशा में है उसका तो काम क्या है? उसका काम है स्पीड को बढ़ाने का, तो स्पीड की चेंज इन स्पीड, ठीक है। तो इसका काम क्या है? जो त्वरण यू वेक्टर के अलोंग होता है इसका फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है, इस वाले का कार्य क्या कार्य है? चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड, तो इसका काम होता है स्पीड में चेंज करना, ठीक है। किसका? जो त्वरण यू वेक्टर के अलोंग होता है, यानी कितना? ए कोस थीटा, तो ये रिस्पॉन्सिबल होगा स्पीड को बढ़ाने के लिए, मतलब परिवर्तन करने के लिए। तो स्पीड में परिवर्तन किसका काम कौन करेगा? ये। और ये क्या काम कर देगा? जो वेक्टर, जो ए वेक्टर का जो घटक यू के परपेंडिकुलर, वो क्या काम करता है? वो काम करेगा चेंज इन स्पीड, वो क्या काम करेगा? चेंज इन डायरेक्शन, सॉरी स्पीड नहीं, डायरेक्शन, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो एक तो दिशा को परिवर्तन करने के काम आएगा, दिशा में परिवर्तन करने, और एक चाल में परिवर्तन के काम आएगा। तो चाल में परिवर्तन कौन आता है? वो वाला त्वरण जो यू की दिशा में हो तो वो उसके चाल में परिवर्तन करता है, और वो वाला त्वरण जो उसके परपेंडिकुलर हो, यू के परपेंडिकुलर हो, वो उसकी दिशा को परिवर्तन करने के काम आता है। तो समझ में आ गया? तो इस वाले केस में ये दोनों फंक्शन। अब आपसे कभी कभी क्या पूछा जाता है, आपसे पूछ ले जाता है, तो अच्छा नेट बोलो, नेट कितना होगा? तो जो इसका नेट होगा रिजल्टेंट, तो ए वेक्टर ए स्क्वायर, तो नेट का आपको रिजल्टेंट निकालना है, तो ए आर, तो नेट या रिजल्टेंट तो बराबर रूट ए टी स्क्वायर। देखो बच्चों, जो आपको स्पीड में परिवर्तन करता है उसे तो अपन बोलते हैं क्या? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, स्पर्शीय त्वरण। तो सर्कुलर मोशन में आप पढ़ते हो दो प्रकार के त्वरण होते हैं सर्कुलर मोशन में, एक तो होता है टेंजेंशियल, एक होता है रेडियल। तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या काम करता है? जो डायरेक्शन को चेंज करता है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या काम करता है? जो स्पीड को चेंज करता है। तो ये टेंजेंशियल और रेडियल वही परिभाषा है, देखो बच्चों सेम। मैं यहाँ सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको बेसिक एक्सेलरेशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, समझ आया बेटू? और जो दिशा को चेंज करता है उसको अपन बोलते हैं रेडियल, ठीक है। या मैं इसको बोल दू, बोलो क्या, यू वेक्टर के अलोंग, तो मैंने इसको ए पैरेलल बोल दिया और परपेंडिकुलर मैंने इसको ए। तो जो भी आपको बोलना है वो आप बोल सकते हो, नाम में कुछ नहीं रखा, काम में है, सबसे मकसद क्या है? काम।
मेरा जैसा बेटू आपको आलसी नहीं बनना है, आप ऑनेस्टली मेहनत करो, मेरा तो ऐसा ही है। ठीक है, तो अब कितना रहेगा ये, ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर रेडियल। ठीक है, तो ये चलते हैं बजाय। अब आपसे या फिर इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं रूट ए पैरेलल स्क्वायर प्लस ए परपेंडिकुलर स्क्वायर, जो भी आपको बोलना है बोलो। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आपसे क्या पूछा जाता है बेटू, आपको एक यू वेक्टर दे देगा, ए वेक्टर दे देगा, बहुत खतरनाक खतरनाक, और आपसे उससे पूछा जाएगा बताओ इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट, बताओ इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट का मतलब अपन समझ जाएंगे क्या, जो यू वेक्टर के अलोंग हो, जो क्या हो यू वेक्टर के अलोंग हो वो कहलाएगा टेंजेंशियल कंपोनेंट। समझ नहीं है, तो अब मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है, मुझे ये निकालना है यू वेक्टर के अलोंग त्वरण निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, क्वेश्चन में देखे यू वेक्टर के अलोंग त्वरण पूछा जाए तो कैसे पूछेंगे, कैसे निकालेंगे। तो देखो पहले अब मुझे क्या करना है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान समझना कि ये आपके पास यू वेक्टर है और ये आपके पास ए वेक्टर है, और आपको दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए क्या कि ए वेक्टर ए टेंजेंशियल ज्ञात करो, यानी ए पैरेलल ज्ञात करो, आपसे ये पूछा जाए कि ए पैरेलल ज्ञात करो। तो ए पैरेलल क्या होता है, ए पैरेलल होता है कि ए पैरेलल क्या होता है, जो यू वेक्टर के अलोंग, ए पैरेलल क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर विच इज अलोंग यू वेक्टर। ठीक है बेटू, समझ में आया। तो ए पैरेलल वेक्टर क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर विच इज अलोंग यू वेक्टर। अब देखो यू वेक्टर के अलोंग, तो यू वेक्टर के अलोंग कैसे करते हैं अपन, इसके हेड से इस पे नॉर्मल ड्रॉ करते, वही सब कहानी अपन रचेंगे ये। तो जब मैंने इसको ऐसे किया तो क्या जाएगा ये, तो ये जाएगा ए वेक्टर कोस थीटा, ये जाएगा ए वेक्टर कोस थीटा, ये जाएगा ए कोस थीटा, वेक्टर को लगा रहा हूं मैं तो लिखूंगा सीधा, तो कितना जाएगा ए कोस थीटा। ठीक है, कटर। लेकिन अब मुझे क्या है, ए पैरेलल वेक्टर, ए क्या है, सदिश राशि ना, तो इसका कंपोनेंट भी सदिश ही होगा, तो ये तो क्या है परिमाण, अब दिशा, तो दिशा कहां पे है, यू वेक्टर के अलोंग, दिशा कहां है, अलोंग यू वेक्टर। तो यू वेक्टर थोड़ी लेना है मुझे, जिस दिशा में मुझे लेना है उस दिशा का कह लूंगा मैं, मतलब जिसमें मुझे लेना है परिमाण तो ये होना चाहिए, साथ में दिशा क्या हो, यू, तो यू की दिशा को मैं कैसे लिखाऊंगा, यू के मात्रक सदिश से, यानी यूनिट वेक्टर से, तो यहां मैं क्या लिखूंगा, यू का यूनिट वेक्टर, तो ए पैरेलल वेक्टर। तो ये बेटू आपने सदिश में मैंने पढ़ा है किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रक्षेप लेना, वो प्रक्षेप वाली बात है। ठीक है, तो ए पैरेलल वेक्टर क्या जाएगा, ए कोस थीटा यू कैप। अब मुझे इसको हल करना है, तो ए कोस थीटा और यू कैप, यू कैप क्या होता है, यू कैप होता है यू वेक्टर बटे यू का मैग्नीट्यूड, ये होता है यू वेक्टर बटे यू का मैग्नीट्यूड। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे ए कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बेटू अपन क्या जानते हैं, क्या जानते हाँ मैं क्या जानता हूं कि ए वेक्टर, सॉरी ऐसे देखो ए ना, हाँ तो ए वेक्टर डॉट यू वेक्टर के बीच में अदिश गुणनफल किया, तो कितना जाएगा ए यू कोस थीटा, ये जाएगा। अब मुझे ए कोस थीटा की वैल्यू पुट करनी है, किसकी वैल्यू पुट करनी है, ए कोस थीटा, तो ए कोस थीटा की वैल्यू पुट करनी है तो कितना जाएगा ए वेक्टर डॉट यू वेक्टर बटे यू को यहां ले आओ, कितना जाएगा ए कोस थीटा, तो ए कोस थीटा बराबर कितना जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे यू का मैग्नीट्यूड। समझ में आया, तो अपन इसको लिख लेंगे, तो क्या लिखेंगे इसको, तो इसको लिखेंगे, चलो यहीं से लिख लेते हैं ना, यहां से लिखेगा, हाँ लिख लो, तो कितना जाएगा बेटू ये, तो दिख रहा है आपको बेटू, मैं नहीं दिख रहा ना, मैं नीचे बैठ गया, तो ए कोस थीटा क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर का अदिश गुणनफल बटे यू, और ये जाएगा यू कैप, यू कैप का मतलब समझ आया ना, अलोंग यू। यदि आपसे कोई केवल मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड पूछे, केवल ए पैरेलल का आपसे मैग्नीट्यूड पूछे, तो केवल मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे यू,
ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये इसकी दिशा हो गई। ठीक है बेटू, समझ में आया कि नहीं आया? तो जब भी आपसे कोई ऐसे पूछे जाए कि फाइंड आउट द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर विच इज अलोंग द यू, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसका प्रक्षेप वाला यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में भाग लगा देना वी वेक्टर के परिमाण। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, समझ में आया? कोई दिक्कत है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कोई आपसे पूछे ए परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे, तो ए पैरेलल तो आप ऐसे निकाल लेना, और ए नेट आपको क्वेश्चन में दिया होगा तो वो नेट निकाल लेना, और उसके साथ आपको ए परपेंडिकुलर निकाल लेना है। ठीक है मेरी प्यारी बेटू, चलो अब मुझे कराना है क्वेश्चंस ए वेक्टर के ऊपर और ए पैरेलल के ऊपर, फिर उसके बाद अपन एक्सेलरेशन को और आगे मूव कराएंगे। सपना समझ के भूल न जाना ओ दिल वाले याद करना भूलना, कुछ भी करना लेकिन फिजिक्स पढ़ना, फिजिक्स को पढ़ना। ठीक है, अब देखो बेटो, तो मैंने एक क्वेश्चन लिया, सड़ा सा लू कि अच्छा सा लू? अच्छा सा लेंगे ना, बहुत अच्छा सा। तो मैंने लिया किसी कण के, किसी कण की प्रारंभिक वेग, किसी कण की प्रारंभिक वेग v वेक्टर बराबर 2y कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, ये ले दिया ना, किसी कण की प्रारंभिक वेग v वेक्टर बराबर 2y कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकंड है, तथा त्वरण a वेक्टर इज इक्वल टू माइनस r प्लस j कैप। ठीक है, हो तो कर्ण की चाल को परिवर्तन करने में, तो कर्ण की चाल को परिवर्तन करने में लगा त्वरण ज्ञात करो, तथा दिशा को चेंज करने में, तथा दिशा को परिवर्तन करने में, दिशा को परिवर्तन करने में जो त्वरण लगा वो भी क्या कर। ठीक है, तो दोनों ही आपसे बोल दिया, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ए नेट निकालना, तो ये ए दे रखा है तो इसका ए नेट निकालना है यानी ए रिजल्टेंट निकालना है, तो ए रिजल्टेंट बराबर कितना रहेगा, रूट, ए रिजल्टेंट बराबर कितना रहेगा, रूट इसका स्क्वायर यानी एक प्लस एक, तो कितना जाएगा, रूट टू, तो ए रिजल्टेंट कितना गया, रूट टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो गया रिजल्टेंट। ठीक है बेटू, अब मुझे निकालना है क्या, कण की चाल को परिवर्तन करने में, तो कण की चाल को परिवर्तन करने वाला जो त्वरण होगा वो क्या होगा, वो जो यू वेक्टर के अलोंग होगा, तो उसका मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है, केवल मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ए पैरेलल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकालना है वो क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे वी वेक्टर का रिजल्टेंट, ये होता है। तो इन दोनों का मैं क्या करूंगा, अदिश गुणनफल इन दोनों का, तो दो और माइनस एक, तो कितना जाएगा, माइनस दो, फिर तीन प्लस एक, तो प्लस के तीन बटे वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया, दो का स्क्वायर चार और तीन का स्क्वायर नौ, तो रूट तेरह, तीन में से दो गए तो वे टू एक बटे रूट तेरह मीटर पर सेकेंड उसका, तो ये हो गया, इतना त्वरण जिम्मेदार है किसके लिए, चाल को परिवर्तन करने में। ठीक है, तो रूट टू का इतना भाग किस में आ गया, चाल को परिवर्तन करने में, फिर दिशा को परिवर्तन करने में, तो दिशा वाला निकालना है, तो कैसे करेंगे अपन, अपन जानते हैं ए आर स्क्वायर बराबर होता है ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, तो दिशा को कौन चेंज करेगा, रेडियल और टेंजेंशियल, यानी तो पैरेलल हो गया और परपेंडिकुलर, तो कौन जिम्मेदार होता है दिशा को चेंज करने के लिए, कौन सा त्वरण, परपेंडिकुलर वाला त्वरण, तो ये निकालना है मुझे, तो क्या निकालेंगे, ए परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर ए आर स्क्वायर माइनस के ए पैरेलल स्क्वायर, ये आएगा। ए आर स्क्वायर की वैल्यू बेटू कितनी है, रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो टू, माइनस
ए पैरेलल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 2 1/√13, तो 1/13, ठीक है। तो 13 26 में से एक गए, तो बेटू कितना जाएगा, 25/√13, ठीक है मेरा। तो ए परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर 25/13, तो मुझे तो ए परपेंडिकुलर निकालना है। तो ए परपेंडिकुलर कितना जाएगा, इसका मैं रूट ले लूंगा, तो 25 का रूट लेंगे तो 5, और 13 का लेंगे तो √13, तो ये आ गया। ओहो, डंग डंग डुम डिंग डुम डिंग डुम, समझ में आया बेटू। तो ए आर का जो पेंडिकुलर रूट था उसका कुछ भाग तो इसमें आ गया और कुछ भाग इसमें आ गया, ठीक है। तो ये जो होल कॉन्सेप्ट इन योर माइंड जो चल रहा है वो आपके समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है बेटू। चलो अब अपन बात करेंगे बेटू, आज से अपन अब स्टार्ट करेंगे प्योर काइनेमेटिक्स। अब प्योर काइनेमेटिक्स नहीं बोलूंगा मैं, उसको बोलूंगा वन डायमेंशन मोशन। तो बेटू अब अपन स्टार्ट करेंगे वन डायमेंशन मोशन की कैलकुलेशंस कैसे अपन करेंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो हाँ ऐसे करते हैं बेटू, वन डायमेंशन मोशन से पहले और भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो आज तो अपन वो कर लेंगे, फिर उसके बाद कल से स्टार्ट करेंगे वन डी मोशन। सुने बच्चों, वन डी मोशन, टू डी मोशन 5-5 दिन में खत्म कर देंगे। 5-5 दिन 10 दिन लगेंगे, मैं एक दिन में 2-2 वीडियो बनाऊंगा तो 5 दिन, और 3 दिन वीडियो बनाऊंगा तो 2.5 दिन, 4-4 वीडियो बनाऊंगा तो 2 दिन। तो 2 दिन में अपन इसको समाप्त नहीं करेंगे, ऐसा कुछ मैं वादा नहीं कर रहा। चलो चलो और कुछ क्वेश्चंस करते हैं ए वेक्टर के ऊपर ही। पहले अपन पूरी दुनिया दारी की बातें करके फिर आएंगे वापस से वन डी मोशन में, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, सम कपल ऑफ क्वेश्चंस वी विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन, किसी वस्तु का पोजीशन वेक्टर आपको दे रहा है, स्थिति सदिश दे रखा है, आर वेक्टर बराबर 2t² + 1 आई कैप प्लस t² j कैप, ये आपको स्थिति सदिश दे रखा है किसी वस्तु की। फाइंड आपसे पूछा है t = 2 सेकंड पर वस्तु पर करंट कितना होगा, t = 2 सेकंड पर वस्तु पर करंट, ये आपसे क्वेश्चन में बिल्कुल पूछा है। कैसे फाइंड आउट करोगे, बहुत सिंपल सा है, बोलो क्या करोगे। तो ए वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर बराबर हम जानते हैं डीवी वेक्टर बाय डीटी, बिल्कुल सिंपल सा। और डीवी वेक्टर, वी वेक्टर क्या होता है, डीआर वेक्टर बाय डीटी। इसका मतलब दो बार क्या करेंगे मैं इसका, दो बार मैं इसका अवकलन करूंगा और उसमें टी की जगह 2 रखूंगा तो मेरे पास ए वेक्टर आ जाएगा, बहुत सिंपल सा, ठीक है बेटू। तो कर लो, तो बोलो कितना जाएगा, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वी वेक्टर आ जाएगा, तो t² का तो 40, 1 का 0 आई कैप, t² का 2t j कैप, ठीक है, b वेक्टर। फिर मुझे निकालना है a वेक्टर, तो a वेक्टर बराबर कितना आएगा, 4i + 2j कैप। तो बच्चों तो a वेक्टर कितना आ गया, 4i + 2j कैप, तो दिस इज द इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो देखो ये वाला जो a वेक्टर है वो टाइम के इंडिपेंडेंट है, यानी यहाँ पे टाइम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब t = 2 सेकंड, t = 10 सेकंड, t = 20 सेकंड पे हमेशा त्वरण क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कितना रहेगा, 4i + 2j कैप, यानी पर्टिकुलर एक दिशा में त्वरण रहेगा, ठीक है, उसी दिशा में। तो पार्टिकल की जो भी वेलोसिटी विस्थापन जो था, तो वो हमेशा घूम के ऐसे, देखो पार्टिकल की वेलोसिटी ये थी, अब पार्टिकल की वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, पार्टिकल की वेलोसिटी तो क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना टाइम के रेस्पेक्ट में, लेकिन ए क्या है, कांस्टेंट है, तो रिजल्टेंट कांस्टेंट जो होगा उसकी दिशा हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इस प्रकार AR और AT एग्जैक्ट होंगे, यानी रेडियल और टेंजेंशियल, जो अभी मैंने 2 कंपोनेंट बताए ना आपको, वो इस प्रकार एग्जैक्ट होंगे कि हमेशा उनका रिजल्टेंट की दिशा एक ही बन जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको बस ये समझाया, इतना ज्यादा रामायण में अपन को जाना नहीं है, ठीक है, तो बेसिक सा ये अपना आंसर आया। चलो एक थोड़ा सा खतरनाक वाला कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे बेटू। तो बेटू नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे चमचमाता हुआ,
देख लेते हैं। तो देखिए बेटू, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए वेक्टर आपको दे रखा है, ए वेक्टर बराबर 60 प्लस के 1 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ये तो है ए वेक्टर वस्तु पर। ठीक है, आपसे पूछा है यदि वस्तु की स्थिति टी बराबर 0 पर 2.3 पर हो तथा प्रारंभिक चार्ज तथा प्रारंभिक वेग, चार्ज क्यों होते तथा प्रारंभिक वेग कितना है, यू वेक्टर बराबर आई कैप प्लस के 2j मीटर पर सेकेंड हो, तो वस्तु की टी बराबर 3 सेकेंड पर स्थिति क्या होगी। ये प्योर वेक्टर के क्वेश्चन मानो आप एक तरह का। ठीक है बेटू, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वस्तु पे त्वरण ये ला रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, मतलब डिपेंडेंट ऑफ टाइम है, टी के रेस्पेक्ट में चेंज होगा। यदि वस्तु की स्थिति टी बराबर 0 पर दिस और प्रारंभिक चार्ज दिस, तो टी बराबर 3 सेकंड में वस्तु की स्थिति क्या होगी। तो ए वेक्टर दे रखा है, स्थिति पे लाना है, तो अपन क्या करना पड़ेगा, पीछे बैक मारना पड़ेगा। तो पीछे जब अपन बैक मारते हैं ए वेक्टर से स्थिति पे, तो क्या करेंगे अपन, समाकलन, क्या करेंगे, समाकलन। ठीक है बेटू, ये आपको आना चाहिए। चलो चलो चले मित्रो, अब देखो बेटू, अपन जानते हैं रिलेशन क्या, ए वेक्टर बराबर डीवी वेक्टर बटे टी, ये बेटू अपन जानते हैं। ठीक है, तो यहां से जब मैं लाऊंगा तो डीवी वेक्टर इधर ही आया, ए वेक्टर इंटू डीटी, मैंने बेटू क्या कर दिया, इसका समाकलन। टी के रेस्पेक्ट में करो, टी बराबर 0 पे इस वस्तु की स्थिति यू वेक्टर दे रखी है आपको, टी बराबर 0 पे, और किसी टाइम टी पे इस वस्तु का वेग मैंने वी वेक्टर मान लिया। जब मैं इसका कंपोनेंट करूंगा तो बेटू ये जाएगा वी वेक्टर माइनस के यू वेक्टर। ठीक है, और ये कितना जाएगा बेटू, ए वेक्टर, ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है 60, तो मैं यहाँ रख देता हूँ ना 0 से लेके टी, ए वेक्टर की वैल्यू 60 प्लस के 1 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और इसका अपन करेंगे समाकलन डीटी रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो करते हैं, 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन सीधा करेंगे तो 6 लिखेंगे, टी का समाकलन कितना होता है टी स्क्वायर बटे 2। ठीक है बेटू, प्लस 1 का समाकलन कितना होता है टी, है ना बेटू, जान देना 1 का समाकलन, और क्या लग रहा है इसके साथ आई कैप, आई कैप लगा देंगे, क्या बुरा है, फिर प्लस लगाओ 3 कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट, और फिर 3 बना जाएगा 1 का समाकलन टी, और क्या लगाओ बेटू जे कैप। ठीक है, तो v वेक्टर बराबर माइनस u वेक्टर, u वेक्टर कितना आया आई कैप प्लस 2j कैप, तो इसको यहां भेज दूं, माइनस का तो उधर भेज दूं ना प्लस का, तो कितना जाएगा आई कैप प्लस के 2j कैप प्लस, ये कितना जाएगा विषम दिशम, तो 3t स्क्वायर आई कैप प्लस t आई कैप प्लस 3t j कैप, तो यहां से क्या जाएगा आई कैप कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 1 आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस टी, तो ये तो हो गया आई कैप प्लस जे कैप, बोलो जे कैप कितना है बेटू, तो 2 प्लस 3t, तो ये आ गया बेटू जे कैप, तो ये अपने पास आया है वी वेक्टर। मुझसे वी वेक्टर नहीं पूछा, मुझसे क्या पूछा है बेटू, मुझसे स्थिति सदिश पूछा है। ठीक है, तो मैं एक बार और इसका समाकलन करूंगा, तो इसका एक बार समाकलन करने के लिए पहले मैं स्थिति सदिश ले लूं, एक्स वेक्टर बराबर हम जानते हैं, नहीं क्या मैं अभी क्या कह रहा हूँ, वी वेक्टर बराबर हम जानते हैं डी आर वेक्टर बटे डी टी, ये जानते हैं, तो यहां से अपन लेंगे तो क्या लिखेंगे डी आर वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर इनटू डी टी, मैं इसका समाकलन करूंगा तो टाइम बराबर 0 पे पोजीशन वेक्टर कितनी है 2.3, कितनी है मेरी पोजीशन 2.3, 2.3 को मैं ले सकता हूँ 2i कैप प्लस 3j कैप, तो मैं केवल r नॉट वेक्टर ले देता हूँ, और r नॉट वेक्टर कितना जाएगा, r नॉट वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप, समझ आया बेटू, कोई दिक्कत है क्या, और किसी टाइम t, तो किसी टाइम t कितना है
3 सेकंड, इसी टाइम टी कितना है 3 सेकंड, तो 3 सेकंड पे अपने क्या पूछा है, स्थिति सदिश आर वेक्टर पूछा है, ठीक है, टी के लिए 3 रख दी। अब वी के लिए रखेंगे, तो वी के लिए ये रखेंगे सड़ी सी, बिल्कुल सड़ी सी, 0 से लेके 3, क्या क्या आया 1 + 3t² + t आई कैन प्लस 2 + 3t जे कैन, और इसका मुझे करना है समाकलन, इसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई और देखे तुझे। तो देखो बेटू, अब अपन क्या करेंगे, इसको लिखेंगे आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर, ठीक है, ओके, इसका समाकलन करेंगे, तो वन का समाकलन कितना होता है टी, वन का समाकलन कितना होता है टी प्लस 3t² का समाकलन t³/3, 3 से 3 कट जाएगा तो t³ बचेगा, प्लस t का समाकलन होता है t² / 2, और वैल्यू रखेंगे कहां से कहां, 0 से लेकर 3 तक, आई कैप, ठीक है बेटू, प्लस इसका करेंगे तो कितना जाएगा 2t + 3t² / 2 और j कैप, 0 से लेकर 3, तो वैल्यू पुट कर देना आंसर आ जाएगा, ठीक है, आर नॉट आई कैप जे कैप के फॉर्म में आंसर आ जाएगा बेटू, कर सकते हो मेरी पेज बेटू, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये अपना हो गया एक्सेलरेशन का खत्म, काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट भी खत्म। अब अपन 1D मोशन पढ़ेंगे, 1D मोशन में जो अपन पढ़ेंगे बेटू, तो गति के समीकरण तीनों पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो एक्सप्रेशन बेटू, मैंने आपको 30 एक्सप्रेशन बताए बच्चों, एक ग्राफ से मूव करना, अपन को एक्स से टी में, टी से यू में, यू से वी में, ग्राफ देख के रिएक्शन टाइम एनवे सेकंड में चली जाएगी दूरी, तो ये सब 1D का पार्ट आ जाएगा। तो 1D मोशन अपन पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में 1D मोशन पढ़ेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बेटू, ओके बेटू, हैव अ गुड डे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।